हाँ मुझे भी बुलाया गया है तो मैं भी जा रहा हूँ उसमें। सर प्रदेश में कोई गठबंधन की नई रणनीति, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के पाले में चले गए, लगभग फाइनल हो गया वहाँ। वो वहाँ पर केवल एसी की गाड़ी में बैठने से ही असर हो गया उन पर, एसी की गाड़ी में बैठने से असर हो गया। आपने एसी गाड़ी और वो तो गाड़ी का नंबर भी पता होगा आपको। अध्यक्ष जी, तो ये बहुत अनुभव मिला है हम लोगों को गठबंधन का। अध्यक्ष जी, सांसद खेल योजना का शुभारंभ सरकार ने किया है, वो एक सांसद पर गंभीर आरोप है खिलाड़ियों के साथ, उस पर आपकी क्या बीजेपी के लोग और बीजेपी की पूरी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते थे, आज जब बेटियां और पहलवान धरने पे बैठी हैं तो इनका नारा कहाँ है ये बताए सरकार। इनका नारा केवल इसलिए था कि नारियों से बेटियों से वोट ले लिया जाए, वोट ले लिया सरकार बन गई, उसके बाद सबसे ज़्यादा नारियों को बेटियों को ही अपमानित कर रहे हैं। सरकार को सामने आकर के बेटी बचाओ के नारे को ज़मीनी हकीकत में बदलना होगा। आज आजमगढ़ के सांसद ने इस पर ये कहा है कि ये तो सब जुडिस मामला है, न्यायालय जब न्यायालय का निर्णय आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी, तो क्या इसको किस नजरिए से देखिए। मेरे पत्रकार साथियों, बीजेपी को 100 खून माफ है और कोई गरीब समाजवादी पिछड़ा मुसलमान होगा तो बुलडोजर चला जाएगा, ये इनकी रणनीति है। बीजेपी के लोग कुछ भी करें वो रणनीति का हिस्सा है कि उनके खिलाफ कुछ नहीं होना है। मुख्यमंत्री जी सुबह से शाम तक नगर निकाय के चुनाव में अपराधी गुंडा बदमाश जाने क्या क्या कहते थे, उन्होंने कभी अपनी चार्जशीट नहीं देखी होगी, या जो उनके ऊपर मुकदमे थे वो कभी नहीं देखे होंगे उन्होंने। ये सवाल तो बीजेपी को जवाब देना चाहिए। और हम तो पत्रकार साथियों से कहेंगे, जो और मुद्दों पर हंगामा काटते थे आप चैनलों पर, वो हंगामा क्यों नहीं कट रहा है? अगर आप ही लोग हंगामा काट दें तो मैं कहता हूँ कल कार्रवाई और बेटियों का सम्मान हो जाएगा। आजमगढ़ सांसद का एक आरोप था कि अखिलेश जी हमेशा अपने नेताओं के सुख दुख में आते हैं, जनता के बीच में नहीं रहते, 3 साल सांसद रहे लेकिन एक भी जिला योजना की समिति भाग नहीं लिया, जनता आजमगढ़ के विकास भूल गए। आजमगढ़ के ए पत्रकार भाई, उनकी बातों से गुमराह मत हो। ये जो सड़क दिखाई दे रही है लखनऊ तक जोड़ने वाली, ये किसने बनाई है? और अगर आप खराब किसने कर दी? बीजेपी वालों। जो काम होता है आप कहिए काम क्या कर रहे हो, जनता को आप कितनी सुविधाएं दे रहे हो, मेडिकल कॉलेज, दवाइयां हैं कि नहीं हैं, मशीनें नई आप दे पाए कि नहीं दे पाए, टेस्ट समय पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टेडियम बना कि नहीं बना, आपका जिला मुख्यालय बना दिया, अब बिजली की सुविधाएँ दे दी, ट्रांसमिशन, ये चीनी मिल लगा दिया, कृषि विश्वविद्यालय दे दिया आपको, 100 नंबर गाड़ी दे दी, एम्बुलेंस दे दी। अरे यार तुम दिखाई नहीं दे रहा, अगर दिन में किसी को दिखाई ना दे क्या उम्मीद करोगे? ये रात में देखने वाले लोग हैं क्या?